हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सुपर रिएक्शन ऑफ पाकिस्तान। मैं हूं सुहेल अब्बास और मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत हो आपका मेरे चैनल पे। आज इस वीडियो पे मैं रिएक्शन करने वाला हूं, उसका टाइटल है व्हाई द वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स इंडिया बट नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन चेक करेंगे, पाकिस्तान की जो पब्लिक है उनका रवैया देखते हैं कि इस वीडियो में कि वो इंडिया को मानते हैं नहीं मानते, पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं, अपनी क्या राय देते हैं इस वीडियो को लेकर। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हमेशा आपसे करते हैं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन फैमिली आप तक पहुंच रहे हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं वीडियो। वीडियो बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है कि पाकिस्तान की क्या राय है कि वो इंडिया की पावर को किस हद तक मानते हैं। आइए देखते हैं वीडियो। 1, 2, 3 स्टार्ट। इंडिया है उसके डिप्लोमेटिक टर्म्स दूसरे कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे डिप्लोमेटिक टर्म्स आई डोंट थिंक दैट उस तरह अच्छे हैं जो इंडिया के अच्छे हैं। और फिर हमारे नाम के साथ एक टैग लगा दिया गया है कि वी आर फ्रॉम टेररिस्ट कंट्रीज। पाकिस्तान का इस्लामोफोबिया की वजह से, जो पाकिस्तान को पर्सपेक्टिव वो नहीं देते उस लिहाज से, वो सिर्फ इस्लामोफोबिया है। अपॉर्चुनिटीज भी उन्हीं को ज़्यादा हैं, हमें कम हैं, और भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं जो इंडियंस को ज़्यादा हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। आई एम हेविशनाज और आज हम बात करेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज में इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को इक्वली ट्रीट क्यों नहीं किया जाता। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई भी इंडिया से है। इसी तरह अमेरिका, दुबई और यूके जैसे ममालिक में भी इंडियंस अच्छे ओहदों पर फाइज हैं, जबकि पाकिस्तानियों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, उनको वो भी नहीं दी जाती। इसके साथ साथ आज हम यहाँ मौजूद लोगों से जानेंगे कि उनको क्या लगता है ऐसा क्यों है कि पाकिस्तानियों और इंडियंस को वेस्टर्न कंट्रीज में इक्वली ट्रीट क्यों नहीं किया जाता, और इन फ्यूचर फर्दर इसमें बेहतरी लाने के लिए पाकिस्तान के आने वाले न्यू यूथ के लिए कि उनको इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे अल्फाज में जाना जाए क्या इकदाम किए जा सकते हैं, ये हम जानते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? अफरोज। अब्दुल बासित। मोहम्मद मोहसिन। मेरा नाम राफे। मरीम खान। क्या आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में इंडियंस और पाकिस्तानियों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता? एक्चुअली मैं वैसे इंग्लैंड से ही आया हूँ, तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोग जो जाते हैं, एक्चुअली हम, टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी हार्श टू टेल यू, बट हम लोग ज़्यादा सिविलाइज्ड एक्ट नहीं करते, ना ही हम लोग इधर सिविलाइज्ड हैं ना ही हम उधर सिविलाइज्ड हैं, क्योंकि हमको इस बारे में एजुकेट नहीं किया जाता। हमें यूनिवर्सिटीज़ में तो पढ़ाया जाता है, बट हमें ये नहीं बताया जाता कि रहना सहना कैसे, दूसरों से बिहेव कैसे करना है। तो हम लोग, टू बी ऑनेस्ट, हम बहुत नॉन सिविलाइज्ड हैं, हमें सिविलाइजेशन नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात की जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हर अच्छे ओहदे पे इंडियंस फाइज हैं, ठीक है। पाकिस्तानियों को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज देने को तो बहुत दूर की बात है, जॉब अपॉर्चुनिटीज दी ही नहीं जाती, इसकी क्या वजह? इसकी वजह भी ये भी है कि हम लोग जो है ना थोड़ा मेहनती नहीं है, हम लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते और हम लोग स्ट्रगल नहीं करते। मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को उधर देखा है कि वो जो है ना अंडरवेज, टू बी ऑनेस्ट दे वर्क दे इन कैश इन हैंड, और वो लोग ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते। उधर जाके वो लोग बस कहते हैं कि हम पैसा कमाएं, हमें करियर से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो वो लोग उधर टेक अवेज में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं। तो मैंने इंडियंस को देखा है कि वो लाइक वो कोई भी जॉब नहीं करते, दे आर जस्ट करियर ओरिएंटेड, तो वो पढ़ते रहते हैं, एटलीस्ट दे गेट व्हाट दे वांट। ऐसे क्या इकदाम किए जा सकते हैं कि पाकिस्तान का आने वाला जो यूथ है उसको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए, इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छी वैल्यू दी जाए? अच्छा, इसकी एक मेन रीज़न है कि जो इंडिया है उसके डिप्लोमेटिक टर्म्स दूसरे कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे डिप्लोमेटिक टर्म्स आई डोंट थिंक दैट उस तरह अच्छे हैं जो इंडिया के अच्छे हैं। और फिर हमारे नाम के साथ एक टैग लगा दिया गया है कि वी आर फ्रॉम टेररिस्ट कंट्रीज़, जो कि हम नहीं हैं। हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसी, टू बी ऑनेस्ट, बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी, आई फील प्राउड व्हेन माय प्राइम मिनिस्टर इज स्पीकिंग अबाउट एनीथिंग व्हिच नीड्स टू बी फील लाइक प्राउड फील किया जाए। ठीक है, सॉरी थोड़ी अंग्रेजी गलत हो। नहीं, नहीं, कोई मसला नहीं। तो हमारा जो टैग है ना इस तरह ख़त्म होगा कि हम अपना इमेज सब के सब ख़त्म करें। कोई भी लाइक अगर स्टूडेंट है वो उसको इतना ओबलाइज नहीं किया जाता, क्योंकि उसको पीछे से सपोर्ट नहीं है। उस बेचारे, वो जब पाकिस्तान से जाता है वो इतना जला हुआ होता है, वो कहता है कि बस मैंने उधर जाना है, उधर पैसा कमाना है। तो ना उधर उसको इधर कोई सपोर्ट मिलती है, ना उसको उधर मिलती है। क्या आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में पाकिस्तानियों को उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता जैसे इंडियंस को ट्रीट किया जाता है, इसकी क्या वजह? यार ठीक है, बात आपकी ठीक है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा इंडिया को जो है कंपैरेटिवली पाकिस्तान की इंडिया को ज़्यादा प्रमोट करती हैं,
मे भी हर एक अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन मेरे हिसाब से इसलिए कि चूँकि वो भी मुसलमान नहीं है, वेस्टर्न लोग सारे, और इंडियंस भी चूँकि हिंदूज हैं, तो मे भी कुछ कल्चर इफेक्ट आ जाए या कुछ एथनिक इफेक्ट आ जाए, उस वजह से जो है वो मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। अच्छा। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उन्हीं को ज़्यादा हैं, हमें कम हैं, और भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं जो इंडियंस को ज़्यादा हैं, और वीज़ा भी इशू बन जाता है अगर आपने इंडियंस के लिए ज़्यादा ईजी है। जैसे हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से देखें तो जो पाकिस्तानी जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो उनको उस तरह से जॉब्स अवेल नहीं की जाती, उनको अच्छे उद्योगों पर फाइज नहीं किया जाता, इनफैक्ट जॉब्स दी ही नहीं जाती, जबकि कंपैरेटिवली इंडियंस देखा जाए तो दी जाती हैं। उसकी क्या वजह है? मतलब प्रोफेशनल लाइफ में तो मुझे नहीं लगता कि रिलीजन, कल्चर, कास्ट, उनकी ये चीज़ें मैटर करनी चाहिए। हाँ, कुछ फैक्ट्स ये भी हैं ना कि मतलब आप देख लें कि जो गूगल के भी जो ऑनर हैं वो इंडियन हैं, तो वर्ल्ड वाइड कुछ इंडियंस का नाम भी है, जिसकी वजह से वो समझते हैं वर्ल्ड वाइड के, समझा जाता है इंडिया के लोग जो हैं वो कंपैरेटिवली पाकिस्तानी से ज़्यादा पढ़े लिखे और टैलेंटेड हैं। तो मे भी यही रीज़न हो कि जॉब अपॉर्चुनिटी उनको ज़्यादा है और हमें कम है, और कुछ कल्चर फैक्ट्स तो हैं ही हैं। इसके अलावा मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि आने वाले कमिंग यूथ जो पाकिस्तान से होगा, उसके लिए क्या ऐसे इकदाम किए जा सकते हैं जिनको लेकर पाकिस्तान भी इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छे तरीके से सामने आए, एक अच्छा नाम बनाए, कि जो चीज़ जो फैसिलिटीज़ अब इंडियंस को मिल रही हैं वो आने वाले टाइम में पाकिस्तानियों को भी दी जाए? हाँ यार, सीन ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ जिनकी वजह से पाकिस्तान पीछे है वो ये भी है कि यहाँ जो टैलेंट की जो है ना कदर नहीं है। ठीक है, साफ सी बात है कि यहाँ अगर कोई बंदा टैलेंटेड है तो उसको पीछे कर दिया जाता है पैसे की जोर पे। तो इसलिए जो टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए, ये बहुत बड़ा फैक्ट है जिसको हम जो है ना दबा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। यही वजह है स्पोर्ट्स में भी और भी काफ़ी चीज़ों में कि टैलेंट की यहाँ कदर नहीं है। अगर टैलेंट की कदर करें और उसको प्रमोट करें तो हम इंडिया से कई हाथ आगे जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट है। ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान और इंडिया को इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते, इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती? एक्चुअली होता इस तरह है कि पाकिस्तानी जो हैं वो एक दूसरे के ही नहीं हैं और एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, और उसके बाद बाहर के मुल्क जाके ये रूल्स ब्रेक करते हैं, और वैसे भी इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा ना बाहर के मुल्कों में, तो आई थिंक ये रीज़न है। क्या सिर्फ मकसद ये है कि पाकिस्तान का इस्लामोफोबिया की वजह से, जो पाकिस्तान को पर्सपेक्टिव वो नहीं देते उस लिहाज से, वो सिर्फ इस्लामोफोबिया है? क्योंकि कुरान में भी हमें कहा गया है कि जो काफिर हैं वो कभी मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते, काफिर काफिर का भाई है। तो इंडियंस जो हैं वो दरअसल हमारे इस्लाम की वजह से बहुत डिफरेंट हैं। क्या आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में पाकिस्तानियों को और इंडियंस को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, ऐसा क्यों है? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये सोचते हैं कि जो पाकिस्तानी है, मुसलमान, पाकिस्तानी भी नहीं, मुसलमान जो है वो जहाँ से मर्जी आ जाए उनको लगता है कि वो दहशतगर्दी फैलाते हैं, और इसमें पाकिस्तान को नंबर वन पर रखते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान को नंबर वन पर रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो दहशतगर्दी फैलाते हैं। इसमें किस तरह से हम लोग बेहतरी ला सकते हैं कि हमें भी इंटरनेशनल लेवल पर हमारे आने वाले कमिंग यूथ को बहुत अच्छे पॉजिटिव वे के साथ देखा जाए? हम अपने इस्लाम को ज़रा क्लैरिफाई करना चाहिए हमें, क्योंकि हम बाहर के जहन में, लोगों के जहन में हमारे लिए यही है कि मुसलमान जो है वो जला दो, जहाद है और कत्ल कर दो और मार दो सबको। हालांकि इस्लाम बड़ा पोलाइट और बड़ा खूबसूरत मज़हब है। अगर हम उस लिहाज से अपने इस्लाम को क्लैरिफाई करें उनके सामने, तो मेरा ख्याल है हालात बेहतर हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। और इसमें कोई ऐसा मैसेज जो आप पाकिस्तानियों को, मुस्लिम्स को या इंडियंस को या फॉरनर्स को देना चाहें? सबको इक्वल देखें, आप हमें भी इक्वल देखें, तो हमारे भी पर्सपेक्टिव को देखना चाहें आप, तो हम भी गलत नहीं है, किसी के दुश्मन हम भी नहीं है, तो हमें भी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, हमारे अंदर भी टैलेंट। बिल्कुल, ऑब्वियसली। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लोगों से लिए उनके ओपिनियंस के, व्हाट दे थिंक कि व्हाई वेस्टर्न कंट्रीज डू नॉट वैल्यू पाकिस्तान। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब, बड़ी अच्छी आपने वीडियो शेयर की। और ये पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन था कि वो इंडिया और पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ठीक है, पाकिस्तान एक चौथा कह लें कि उसका हिस्सा है इंडिया का, क्योंकि आबादी के लिहाज से भी देखें, रकबे के लिहाज से भी देखें, ठीक है, अगर ये पॉइंट्स देखें तो आपको पता है कि 1 अरब 30 करोड़ के करीब इंडिया की आबादी है और हमारी जस्ट 23 करोड़ 24 करोड़ आबादी है हमारी, ठीक है, नो कंपैरिजन। उसके बाद मिलिट्री पावर देखें तो तादाद में हिंदुस्तान की मिलिट्री पावर जो है वो, उनके पास जो वेपन्स हैं, उनके पास जो ट्रेजरी है, कोई भी देख लें उनका सेगमेंट फौज के वाले से, इंडिया का कंपैरिजन देखें, पाकिस्तान ने किया अनबायस्ड होकर भी अगर देखें
तो इंडिया जो है वो उनकी मिलिट्री पावर हमसे ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी बात है कि लिटरेसी रेट इंडिया में बड़ा हाई है, इसमें कोई शक नहीं है। लिटरेसी रेट देख लें, आप गूगल कर लें, न्यूज़पेपर देख लें, कोई भी चीज़ आप कंपैरिजन करके देख लें कि इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो बड़ा ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। हमारी लोग जनाब पढ़ते नहीं है, मेहनत नहीं करते, तो फिर इंडिया से जाके कंपैरिजन करते हैं। ये कंपैरिजन उस चीज़ से होता है जिसके जो आप स्ट्रगल कर लेते हैं, ठीक है, इंडिया के साथ, ठीक है। अब क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में आपको पता है कि वर्ल्ड कप में हम पाकिस्तान जो है वो हमेशा हार रही है इंडिया से, जीता आज तक नहीं वर्ल्ड कप में। रिकॉर्ड देख लें, बेशक हमारे रिकॉर्ड स्टैट अच्छी हो, लेकिन वर्ल्ड कप में हम इंडिया से मार खा जाते हैं। दूसरी बात, हर सेगमेंट उठा के अगर देखें तो काफ़ी जो है वो फ़र्क है। बहरहाल कंपैरिजन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह जो है वो फसाद पड़ता है, ठीक है। दूसरा ये कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान को इसलिए बुरा समझते हैं कि वो कहते हैं कि जनाब गलत फहमी है कि जनाब पाकिस्तानी दहशत गर्द हैं और जनाब यहाँ पर ये दहशत गर्दों को पनाह देते हैं, ठीक है, यहाँ से जनाब लोग अच्छे नहीं हैं। सारे इंडियंस पाकिस्तानियों को बुरे नहीं कहते, ठीक है, और सारे पाकिस्तानी बुरे हैं भी नहीं, ठीक है, ना ही सारे इंडियंस बुरे हैं, ठीक है। ऐसी कुछ कोई बात नहीं है, नस्ली तासब को जो है वो उससे दूर रहना चाहिए, ठीक है। इंडियंस भी बड़े अच्छे मेरे फ्रेंड्स हैं, और मैंने जिससे भी सुना है वो कहते हैं कि सारे इंडियंस जो है वो बुरे नहीं हैं, ठीक है। बस कुछ लोग शर पसंद होते हैं, ठीक है, वो जो नफ़रत फैलाते हैं वो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, ठीक है। इन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, और ऐसी वीडियोज़ जो है वो होनी चाहिए, लेकिन कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ये मतलब ये बड़ी बुरी बात है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी। क्योंकि अगर कंपैरिजन तब करना चाहिए जब बनता हो, जब कंपैरिजन बनते ही नहीं है। आप कोई भी सेगमेंट उठा के दे लें, पाकिस्तान इंडिया से काफ़ी हद तक पीछे हैं, ठीक है, हर सेगमेंट में तकरीबन। कुछ ऐसे चीज़ें हो सकती हैं, बहरहाल कंपैरिजन नहीं बनता। वीडियो बड़ी अच्छी थी, बड़ा अच्छा रिएक्शन किया उन्होंने। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए।